बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब दोस्तों? दोस्तों उम्मीद करते हैं खैरियत से खुशबाश होंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों हमने अपने प्यारे प्यारे क्यूट से चिक्स कुछ देर के लिए खुला छोड़ दिया इधर, ताकि ये भी बाहर की हवा ले सकें और कुछ दाना दुनका वगैरह चुग सकें। ये देखें अभी तक हमारे बाकी पेट्स में बंद हैं, हमने उन्हें खोला नहीं है, वरना बड़ी मुर्गियां जो हैं वो आके इन्हें मारना शुरू कर देती हैं, तो इसलिए ये अब थोड़ी देर के लिए सेफ हैं। दोस्तों ये है हमारे पिजन्स का केज और ये है इनका पानी का बर्तन। तो यहाँ पानी अक्सर गिरता रहता है और कुछ इनके वेस्ट और दाने वगैरह जमा हो जाते हैं, तो यहाँ काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े जमा हो गए हैं। तो अब हम जो है इन कीड़ों को निकाल के अपने छोटे छोटे चिक्स को खिलाने जा रहे हैं। जी जी, आ गई हमारे चिक्स के लिए प्रोटीन से भरपूर गिज़ा। ये इन दानों के पीछे काफ़ी सारे जो है वो छोटे छोटे कीड़े छुपे हुए। ये देखिए दोस्तों, ये बड़े शौक से खाएंगे इसे और इसके साथ साथ ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इनकी सेहत के लिए और बढ़ोतरी के लिए भी बड़े फायदेमंद है। दोस्तों हमारा कॉकटेल पैरट है, उसे हमने बड़ी एहतियात और हिफाज के साथ ये कमरे में बंद किया हुआ है। इस छोटे से ये केज बनाया हुआ प्लास्टिक के डब्बे का उसके लिए, और ये दोस्तों बहुत घुसीला, ये देखिए जैसे हम केज खोलते हैं तो ये आवाज़ें देता है, जैसे डरा रहा हो, धमकी दे रहा हो। ये देखिए रात नहीं आना चाहता, जब काफ़ी बेहतर हो चुका है पहले से। अब हम इसे ये देखें, इसको बड़ी एहतियात से पकड़ना पड़ता है वरना ये काट के खून निकाल लेता है। इसे आज जो हम इसे केज में शिफ्ट करने जा रहे हैं, इसलिए बाहर ले जा रहे हैं क्योंकि अब ये काफ़ी बेहतर हो चुका है, बेचारा अकेला पड़ा रहता है यहाँ सारा दिन। ये देखिए दोस्तों अभी तक काटना चाह रहा है, इसका गुस्सा ही काम नहीं हो रहा होता। मेरा तो क्या रहा, इसे बजिस के केज में छोड़ देते हैं। चलो ठीक है, इसे बजिस पैरट्स के केज में छोड़ देते हैं दोस्तों हम, ये उनके साथ उम्मीद है आसानी के साथ घुल मिल जाएगा। और एहतियात से उस्मान इसको अंदर जाके छोड़ो, पहले अंदर खुद घुसो फिर इसके लिए जगह देखो ये वहाँ एडजस्ट कर सकेगा कि नहीं। मैंने इसे बजिस के केज में छोड़ दिया, अब ये यहाँ खुश है। दोस्तों मैं चेक करता हूँ हमारे बजिस पैरट्स ने अंडे दिए कि नहीं। दोस्तों हमारे बजिस पैरट ने अंडे दे दिए, छोटे छोटे से बच्चे निकालेंगे, बड़ा मजा आएगा, आपको भी दिखाएंगे। दोस्तों वो खबर जिसके हम काफी अरसा से मुंतजर थे वो हमें आज अचानक मिली है कि हमारे बजिस पैरट्स ने अंडे दे दिए। हम काफी अरसा से इंतजार कर रहे थे कि हमारी डव्स और बजिस जो है वो अंडे देंगे, लेकिन अंडे जो है बिल्कुल नहीं आ रहे थे दोनों की तरफ से, लेकिन अब बजिस के अंडे आ चुके हैं। दोस्तों अब आपको चल के तमाशा दिखाते हैं अपने रैबिट्स का। ये देखे, ये हमारी मुर्गियों का केज है और इधर से दरवाजा बंद है, लेकिन ये देखें ये हमारी नूरजहां जो है ये इनके केज में पहुंची हुई है, कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही चलाक है और इन्होंने किया क्या है, ये साथ ही इनका केज है तो इधर से उन्होंने जो है उसरन खोद कर यहाँ से निकाल लिए, और ये जो है यहाँ दाने खाना खाने आते हैं इनके केज में। वो देखें ये इसके मुँह की तरफ जो है ये सुरंग है और ये उनके केज से निकल कर यहाँ आती है, देखिए अब वापस जा रही है। दोस्तों ये देखिए, ये है हमारी अनारकली, ये देखिए दोनों तरफ से इसने अपने बाल जो है वो खुरच लिए हैं और इसने अपना घोंसला वगैरह तैयार कर लिया है। ये प्रेग्नेंट है और बच्चे देने के लिए बिल्कुल तैयार है, बहुत कम अपने केज से बाहर आती है, किसी भी वक्त जो है इसके क्यूट क्यूट से बेबीज आ सकते हैं। दोस्तों हमारी ये डक्स अब बहुत आवारा हो चुकी हैं, जैसे ही हम खोलते हैं तो ये खाला बच्चों की सरबराही में बाहर की तरफ स्पीड दौड़ लगा देती हैं। और ये देखिए इनका ये ठिकाना होगा, ये सेवरेज वाली नालियाँ जो बाहर से गुजरती हैं, इसका गंदा पानी इन्हें बहुत पसंद है और ये जो है सारा दिन कोशिश होती यहीं खड़ी रहें। हम इन्हें बमुश्किल काबू करके ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही जाकर छोड़ते हैं ये फिर किसी बहाने से वापस भाग आती हैं। चलो वापस चलो, साफ पानी देंगे तुम लोगों को। ये देखिए ये दोनों जा रही हैं, लेकिन वो हमारी खाला बत्तू जो है वो घर जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता उसका। ये देखिए दोस्तों वापस जाने की बजाय ये बहुत दूर निकल आई हैं, अब हम इन्हें घेरा डाल के वापस ले जाने की कोशिश करते हैं। ये वापस मिनी जू जाना ही नहीं चाह रही, वहाँ से ये देखे भाग रही तो चली आई हैं, इस नाले के इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। चलो चलो वापस। शुक्र है कि वापसी की राह ले तो ली इन्होंने, पता चल गया कि इनकी जान नहीं छूटने वाली, वापस जाना ही पड़ेगा। इधर देखिए दोस्तों हमारी सूजी अपनी पप्पी कार्ड के साथ हर वक्त तैयार, मिनी जू में कोई भी पेट जो है वो मिनी जू की सैर करना चाहे तो ये उसको घुमाने के लिए
हर वक्त तैयार फिर रही होती है। अगर कोई सवारी ना मिले सूजी को तो ये खुद ही सारा मिनी जू घूमती रहती है अपने पप्पी कार्ड को लेकर। हमारे प्यारे से दोस्तों हमारी इस प्यारी सी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ रहें, खुश रहें, शौक देखते रहें। अल्लाह हाफिज।